सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, महाराज सेनापति जी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर राजकुमारी जी की रक्षा की है। बहुत बड़ी बला टली है, परंतु अभी सेनापति जी लहूलुहान है। नहीं महाराज, हम ठीक है, हमें प्रसन्नता है महाराज कि आज भी हम राज्य परिवार की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। महाराज अनर्थ होने से बच गया। राज वैद्य जी, सेनापति जी को कुछ होना नहीं चाहिए। जी महाराज। एक क्षण, क्षमा प्रार्थी है पिताश्री, परंतु हमारा एक अनुरोध है, वैद्य से पूछा जाए कि सेनापति सम्राट सिंह के कंधे पर कोई पुराना घाव है या नहीं। निरीक्षण करके बताइए कि इनके कंधे पर कोई पुराना घाव है कि नहीं। जानते हैं विश्वासघात का दंड क्या होता है? मृत्यु। किंतु हम दयावान हैं, हम आपको जीवित रखेंगे, आपके पूरे परिवार की मृत्यु पर लाभ करने के लिए। राजवैद्य बोलिए। क्षमा महाराज, किंतु जिस प्रकार से यह झूमर सेनापति जी पर गिरा है, यह बता पाना असंभव है कि कोई पुराना घाव था भी या नहीं। अपितु उन्हें अभी उपचार के लिए जाना अति आवश्यक है। राजकुमारी तारा प्रिया, सेनापति जी की पिछली 15 पीढ़ियां हमारे राज परिवार की विश्वसनीय रही हैं, और आज भरी सभा में आपके जीवन को बचाकर उन्होंने अपनी राजभक्ति का प्रमाण दिया है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप और महारानी इनके प्रति अपने मन में जो शंका रखती हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि इनके घाव का तो उपचार हो जाएगा लेकिन आपके मन की शंका का नहीं। महाराज आप तो न्यायप्रिय, न्याय प्रसिद्ध हैं। आपने कभी कोई पक्षपात नहीं किया। हम पर प्रश्न उठे तो आपने हमें भी राजदंड दिया। सेनापति दोषी साबित नहीं हुए, परंतु निर्दोष भी साबित नहीं हुए। आज कोई ऐसा फैसला लीजिए जिससे आपके न्याय का परचम फिर से लहराए। तो आज न्याय होगा। हम सेनापति जी को उनके सभी आरोपों से मुक्त करते हैं। परंतु आपकी और राजकुमारी की मन की शांति के लिए हम एक आदेश पारित करते हैं कि जब तक हमारे युवराज पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, राजकुमारी, महारानी, अनसुईया और चिकित्सक महोदय ही केवल उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा बगैर राज परिवार की आज्ञा के कोई भी उनसे मिलने नहीं जा सकता। महारानी जी, क्या ये झूमर पहले भी ऐसे गिरा है क्या? नहीं, कभी नहीं। आज अचानक क्यों? राजकुमारी जी हमें अपराधी सिद्ध करने के लिए सबके सामने हमसे अंगरखा हटाने के लिए कहेंगी, ताकि हमारे घाव सबके सामने आ जाएं।
किंतु इससे बचने का एक उपाय है हमारे पास। हम किसी बहाने से राजकुमारी जी को झूमर के नीचे बुला लेंगे और जैसे ही वो हमें अंगरखा हटाने के लिए बोलेंगी, अब झूमर की रस्सी काट देना। हम उनको बचाने के बहाने झूमर को अपने ऊपर गिरने देंगे। इससे हमें जो नए घाव मिलेंगे उनके कारण हमारे पुराने घाव हमेशा के लिए छिप जाएंगे। चिकित्सक महोदय, हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आतुर हैं। महाराज जी, आपने मुझे एक वचन दिया था ना कि आपसे जो भी मैं एक चीज मांगूंगा आप मुझे बिना संकोच के, बिना कुछ कहे आप दे देंगे। देखिए आप अभी सोच लीजिए, अगर आपको मुझे मना करना तो आप अभी मना कर दीजिए, पर अगर आपने मेरे मांगने के बाद मना किया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। चंद्रवंशी अपने वचन से कभी नहीं पलटते हैं। मुझे देव है वचन को निभाने के लिए, अगर आपको अपने पुराने वचन को भूलकर पुराने निर्णय को बदलना पड़े तो। ऐसा क्या मांगने वाले हैं ये महाराज से जो इतनी भूमिका बना रहे हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कौन सा पुराना निर्णय और वचन है जो भुलवाना चाहते हैं महाराज को? राजकुमारी तारा प्रिया का विवाह सेनापति सम्राट के साथ होगा, कल ही होगा। कहीं ये दारू का हाथ तो नहीं मांगने वाले हैं? चिकित्सक महोदय, हम जानते हैं कि अपने पुत्र को बचाने के लिए हमने कितनी मिन्नतें की हैं ईश्वर से, किंतु आपने हमारे पुत्र को जीवन दान दिया तो आपकी इच्छा में ईश्वर की इच्छा है, तो आपका वचन तो पूरा करना ही है, भले उसके लिए हमें अपने पुराने जितने भी निर्णय हैं वो बदलने पड़े। पुराने सारे वचनों को भूलना पड़े, इसलिए निडर और निसंकोच होकर मांगिए आपको क्या मांगना है। महारानी जी को राजदंड से मुक्त कर दीजिए। चिकित्सक महोदय, ये क्या मांग लिया आपने? हमें लगा था आप अपने लिए कुछ मांगेंगे, और हम सौगंध खाकर कहते हैं हम पलक झपक के वो पूरा कर देते हैं। आपको लगता है कि आपको पुरस्कृत करने के लिए हम राजधर्म की बलि चढ़ा दें? हमने हमेशा कहा है प्रजा हो या राज परिवार, राज नियम सबके लिए एक समान है। मैं किसी के साथ अन्याय करने की बात नहीं कह रहा हूं, महारानी जी के साथ न्याय करने की मांग कर रहा हूं बस। अब महाराज जी, एक मां अपने बच्चे को कोख में 9 महीने रखती है, दिल में जिंदगी भर और श्वास में हर पल। एक मां को अपने बच्चे से दूर करना सबसे बड़ा अन्याय होता है महाराज जी, और मां से दूर रहने का दुख मैं अच्छे से समझता हूं। और अगर महारानी जी को युवराज जी और राजकुमारी जी से दूर रखा ना तो महारानी जी, युवराज जी और राजकुमारी जी तीनों के साथ बहुत अन्याय होगा। अगर राजरण महारानी जी को मिला है तो उसकी सजा बच्चों को क्यों मिले? जो बात वर्षों से हम कहना चाहते थे और कभी कह नहीं पाए वह आज आपने कह दी चिकित्सक ध्रुव। अपनी अर्धांगिनी को अपने से दूर रख के दंडित तो हमें भी होना पड़ रहा है।
परंतु दंड का स्वभाव ही ऐसा होता है, मिलता एक को है और भुगतना सबको पड़ता है। महाराज जी, हर चीज की समय सीमा होती है और उसके बाद उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता। और सारी उम्र तो सजा नहीं काट सकती ना महारानी जी। आप शायद नहीं जानते, लेकिन दंड की अवधि राज नियम तय करते हैं, संवेदनाएं नहीं। और महारानी जी पर गंभीर आरोप है। महाराज ने अवसर दिया था उन्हें अपने पक्ष में वक्तव्य रखने का, किंतु वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, अपने आप को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाई। सेनापति जी, सिद्ध तो उनका अपराध भी नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने आज तक दंडित किए जाने पर आपत्ति नहीं जताई। क्षमा कीजिए महाराज, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसके चरित्र पर आपत्तिजनक आरोप लगे हों वो तो दंड के लिए कैसे मना कर सकते हैं। चाहे हमें साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े, किंतु महारानी को राजमहल में पुनः आने नहीं देंगे हम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.